इस बात का मतलब नो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। तो यहां पर कोई फील्ड नहीं है, यहां पर कोई फील्ड, लेकिन अगर देखा जाए तो ई एक्स भी रखा है अल्फा एक्स टू पावर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ई अल्फा एक्स टू पावर 1/2, अगर मैं x इक्वल टू जीरो रखूंगा तो e जीरो होगा, अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो e 1, अल्फा 1 टू द पावर 1/2, x इक्वल टू 2 पुट करूंगा e की वैल्यू अल्फा 2 टू द पावर 1/2, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, इसका मतलब e 3 इक्वल टू अल्फा 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। आप देख सकते हो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है E की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल पॉजिटिव x एक्सिस में है, और दूसरी बात, ये x की इंक्रीजिंग वैल्यू है, यानी कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इसे हटा देता हूं जो मैंने लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। This is non-uniform electric field. अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस क्यूब के ऊपर एरिया वेक्टर्स बनाऊं तो वो एरिया वेक्टर्स, एक एरिया वेक्टर इस सरफेस से यहां चलेगा, एक एरिया वेक्टर यहां से पीछे की ओर जाएगा n2, एक एरिया वेक्टर यहां से टॉप पर जाएगा n3, एक एरिया वेक्टर इस वाली सरफेस पे आएगा n4, एक इस वाले सरफेस पे आएगा n5, और एक बॉटम वाले सरफेस पे जाएगा n6। आप देख सकते हो यहां पर Here, unit vector n2, n3, n5, and n6 are perpendicular to EX. So, their flux will be zero. इसीलिए उनका flux जीरो होगा। अब केवल कौन कौन से बचे? दो, एक सरफेस ये बची है ना, जो इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, सेकंड सरफेस इज दिस, इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल है। इस जगह का नाम रख लीजिए सरफेस नंबर वन, इस जगह का नाम रखिए टू। यहां पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा यहां से लेके यहां for surface 1, E1 is alpha, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे बच्चों? 2a। तो ये ठीक कह रहा हूं ना, यहां से लेके यहां तक का काउंट करूंगा तो x की वैल्यू 2 है, तो 2a to the power 1/2, तो ये ठीक है। for surface 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? e, देख सकते हैं यहां तो e2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा a टू द पावर 1/2, गॉट इट। अब अगर इसके लिए फ्लक्स निकाला जाए, फ्लक्स ऑन सरफेस 1, तो phi 1 इट इज इक्वल टू e a यूनिट वेक्टर n1, तो ये हो जाएगा e a cos 0 e1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो phi 1 e की वैल्यू हो जाएगी e1, e1 कितना है? अल्फा 2a to the power 1/2, a इज द एरिया, इसका एरिया बनेगा a स्क्वायर cos 0, so this is alpha
टू टू दी पावर वन अपॉन टू, यहां पर ए की पावर वन अपॉन टू इंटू ए स्क्वायर, तो जनाब वन अपॉन टू प्लस टू इक्वल टू, अगर टू एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा फाइव, कहिए ठीक है। तो अल्फा टू टू दी पावर वन अपॉन टू ए टू की पावर फाइव अपॉन, ये हो गया फ्लक्स वन गटेड इस सर्फेस के लिए। सेकेंड सर्फेस के लिए कैलकुलेट करोगे फ्लक्स ऑन सर्फेस टू, तो फाइव टू लिखा जाएगा, दिस इज ई टू, ए यूनिट वेक्टर कितना है यहां पर जरा गौर से देखो, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है एनफो, तो मैंने यहां लिख दिया है एनफो, और जरा गौर से देखना ई टू ए यहां हो जाएगा कॉस 180, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एरिया वेक्टर उसकी ऑपोजिट है, व्हाट इट, तो ये हो जाएगा e2 की वैल्यू पुट करेंगे तो e2 का वैल्यू ये रहा अल्फा a टू दी पावर 1 अपॉन 2, और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो दिस इज अल्फा a टू दी पावर 5 अपॉन, ये 5 टू हो गया ठीक। टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, और cos 180 माइनस 1 यहां पर आ गया, तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू, तो फाइव इक्वल टू फाइव वन यानी कि अल्फा ए टू दी पावर फाइव अपॉन टू मैंने कॉमन ले लिया, देख लीजिए ये हो जाएगा टू टू दी पावर वन अपॉन टू माइनस, ये फ्लक्स की वैल्यू आपको अब अल्फा और ए दोनों की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अल्फा ये है ए का वैल्यू 0.1 मीटर, आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, क्लियर। फिर कहते हैं सेकंड पार्ट में चार्ज इंक्लूड्स इन द क्यू, तो क्यू इक्वल टू होता है बच्चों 5 इनटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस पूरी क्वांटिटी में तो यहां पे cos 180 क्यों होगा, cos 180 क्यों होगा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने x एक्सिस के पॉजिटिव में रखा है और एरिया वेक्टर जो जा रहा है वो x एक्सिस के नेगेटिव में, तो इन दोनों की कंडीशन में 180 डिग्री और इन दोनों की कंडीशन में 0 डिग्री, गॉट इट क्लियर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। Anyone having any